डुमरिया SDPO शुभ प्रियदर्शी की माता तारा देवी की आकस्मिक निधन चंदवा नगर मंदिर परिसर में 11 फरवरी को पूजा अर्चना के दौरान हो गई, जिनकी श्राद्ध कर्म पैतृक गांव सिंगरावा बछाई में की गई। श्राद्ध क्रम में जिले के कई विभाग के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि तथा पत्रकार शामिल हुए और पुष्पांजलि अर्पित किया। पुष्पांजलि में पत्रकार सत्येंद्र मित्तल, अजीत सिन्हा, मोहम्मद सहफाज अली, मुकीम अंसारी, आजसू के मनोज चंद्रा, सिमरिया इंस्पेक्टर KP चौधरी, समाजसेवी मोगुलाम व जिले के दर्जनों पत्रकार शामिल हुए। SDPO अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि मेरी माता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, अचानक चंदवा नगर मंदिर में पूजा अर्चना करने के दौरान चक्कर आ गई, जहां उनकी निधन हो गई। बता दें कि SDPO के पिता भुगम राम ने गाँव वासियों को अपनी पत्नी तारा देवी की आत्मा की शांति के लिए कंबल व साड़ी वितरण किया, साथ ही उनकी यादगार के लिए 200 पौधा रोपण गांव के स्कूल प्रांगण में किया। भुगम राम ने बताया कि मेरे 3 पुत्र हैं, एक पुत्र गढ़वा थाना में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित है, वहीं एक पुत्र सिमरिया अनुमंडल में SDPO के पद पर पदस्थापित है, एक पुत्री व्यवसायी है। सभी भाइयों ने अपनी माता के निधन पर गहरी शोक जताया है।